हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं एक कैप। ये देखिए, ब्लैक और वाइट कैप जो मैंने बनाई है, लैगी से बनाई है। और ये वाइट और रेड कैप जो मैं आज आपको सिखाऊंगी, ये बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है और इसे हम हल्की सर्दियों में बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज बच्चों की कैप। ये देखिए, मैंने ली हैं दो लैगी। अब इनकी मदद से ही मैं बच्चों के लिए कैप बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस लैगी को फैलाकर इसे यहाँ से कट कर लिया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ से भी इसे कट कर लिया है। मैं इसकी गैटेज को अलग निकाल दूंगी। ये देखिए, मैंने इसके गैटेज को अलग निकाल दिया है। चलिए अभी हम इसी से बनाएंगे। हम यहाँ से स्ट्रेचिंग कर ली है मैंने इसे, अब कट कर दिया है। यहाँ से इसे मैंने स्ट्रेचिंग करके कट कर दिया है। अब ये इक्वल साइज़ में हो गई है। अब मैं इसे बीच में से फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे बीच में से फोल्ड कर लिया है, बराबर साइज़ में अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, मैं इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें जोड़ेंगे रेड वाली लैगी। ये देखिए, लैगी को अब मैं इसमें अटैच कर दूंगी। रेड लैगी में से हम इसके बराबर साइज का कपड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। जितना हमें यूज़ होगा हम उतना ही कपड़ा कट करेंगे। मैंने कैप के बराबर कपड़ा यूज़ किया है और इस कपड़े को मैं अब इसके अंदर अटैच कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे ही अटैच करना है ताकि अच्छे से डिज़ाइन उभर कर आए। ये देखिए, दोनों हाथों की मदद से मैंने इसे कपड़े को अटैच कर दिया है। देखिए किस तरह से मैं इसे अटैच कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही अटैच करना है। ये देखिए, कपड़ा अब अच्छे से अटैच हो गया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन के लिए ड्राफ्ट बना लूँगी। चलिए इस पर ड्राफ्ट बना लेते हैं। देखिए, मैंने इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। देखिए, मैंने तीन डब्बे बनाए हैं और यहाँ से इसे पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि ये हिले नहीं कपड़ा। आप इस पर अपनी अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन चाहते हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यही वाला डिज़ाइन अच्छा लगा था, मैंने यही किया है। अब मैं इसे ही जो मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी के ही ऊपर मैं इस पर कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल डिज़ाइन पे ही स्ट्रेचिंग करना है। बिल्कुल तीनों हिस्सों पर स्ट्रेचिंग करनी है अच्छे से, मैंने ताकि अच्छे से समझ में आए इसलिए विदाउट कलर से ड्रॉ किया है। देखिए, मैंने स्टैचिंग कर ली है। चलिए मैं अब आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और ये डिज़ाइन पर मैंने स्टैचिंग कर ली है। अब मैं इसे उल्टा कर इसमें अंदर से भी सिलाई कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी मैंने तो इसे ऐसे ही गोलाई देते हुए यहाँ से स्ट्रेचिंग इस पर कर लिया। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने कैसे स्ट्रेचिंग किया। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ से सिलाई करना शुरू कर दिया है और हल्की हल्की गोलाई देते हुए, जैसे बच्चे की कैप होती है उसी तरह से स्ट्रेचिंग कर लिया है। चलिए, मैंने इसे स्ट्रेचिंग कर लिया है। अब देखते हैं आगे। देखिए, स्ट्रेचिंग मेरी पूरी हो गई है। मैं यहाँ से इसे बाकी कपड़े को कट कर दूँगी। देखिए, मैंने इसे कपड़े को कट कर दिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को, और अब मैं कैप को सीधा कर लूँगी। देखिए, कपड़ा कट हो गया है, अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब हमने जो
इस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर, अब हम उसी को ही कट करेंगे। उसके लिए हम छोटे वाले सीज़र का यूज़ करेंगे। चलिए तो हम छोटे वाले सीज़र से ये जो हमने ड्रॉ किया है इसे बिल्कुल बराबर साइज़ में से कट कर देंगे और दोनों हाथों की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। हम वाइट वाला कपड़ा ही कट करेंगे, रेड वाला कपड़ा हम कट नहीं करेंगे। वाइट वाला कपड़ा हम बिल्कुल ड्रॉ की हुआ है डिज़ाइन में के बीच में से ही कट करेंगे ताकि डिज़ाइन अच्छे से उभर कर आए। चलिए देखिए ये कट कर दिया है मैंने, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आया है। मैं ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको प्रेस कर लेंगे और इसे थोड़ा खींच लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन मतलब आया है उभर कर। ये देखिए मैंने इसे कपड़े को वाइट वाले को थोड़ा खींच दिया था। अब उसी प्रकार हम दूसरे वाले डब्बे को भी कट कर लेंगे। ये देखिए मैं इसे भी इसी प्रकार हाथ से पकड़ कर वाइट वाला कपड़ा पकड़ कर उसे कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने ये वाला भी कट कर दिया हाथ, और सेम प्रोसेस भी हम इसके साथ भी करेंगे। ये देखिए मैंने इसे कपड़े प्रेस कर दिया है। देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा डिज़ाइन आया है लिखन। चलिए अब हम ये तीसरे वाले डब्बे पर भी यही प्रोसेस कर लेंगे, इसे भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा डिज़ाइन बना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी कैप बनी है, बच्चे की बहुत ही प्यारी कैप बनी है और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही ईजली बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच।